हेलो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं आपकी CUET 2022 का प्रिपरेशन। और आज का चैप्टर है, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस एंड डिजीजेस से, और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आने के, व्हाट डू वी कॉल दैट, संभावना रखते हैं। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है और करते हैं प्रैक्टिस थोड़ा सा। और एक तो छोटा सा क्वेश्चन, छोटा कोई नहीं है, अभी आपके लिए हम बड़ा कर रहे हैं, रुको। सो हेल्थ इज नॉट डिफाइंड बाय, अब इनमें से आपको क्या दिख रहा है, हेल्थ किससे डिफाइंड नहीं होता है। देर आर मेनी ऑप्शंस, नॉट मेनी, आई एम सॉरी, देर आर फोर मेन ऑप्शंस देर। अब इनमें से आपको एक चूज करना है कि हेल्थ किससे डिफाइन नहीं होता है। नहीं बोला है ना, हाँ, नॉट डिफाइंड बाय। तो देखो, हेल्थ इज अ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये तो बाय डिफॉल्ट आता है, तो आंसर आसान सा है। तो ये बेसिकली आंसर्स नहीं है ये, क्योंकि उसमें आते हैं। आंसर इज डी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और यही आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी मिलेगा, ठीक है, कि हेल्थ जो है उसमें जेनेटिक, मतलब डेफिनेशन में एटलीस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर। अब आप सोच रहे होंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होंगे तो हेल्थ, मतलब प्रॉपर हेल्थ कहाँ हुआ। लेकिन बच्चों, हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, डिफाइन की बात कर रहा है, तो डेफिनेशन में तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहाँ डालते हैं, नहीं डालते ना, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड ऑन द अदर हैंड जेनेटिक जो होता है वो डेफिशिएंसी या डिफेक्ट्स में के कारण होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल एजेंट एजेंट दैट कॉजेज डिजीज। बायोलॉजिकल एजेंट कौन सा नहीं है? देखो, माइकोप्लाज्मा काइंड ऑफ बैक्टीरिया हो गया तो बायोलॉजिकल है, वायरस आप जानते हो लिविंग ही है, फंगी भी जानते हो, तो इट्स रेडिएशन जो कि लिविंग मटेरियल नहीं है, नॉट अ बायोलॉजिकल एजेंट, सो आंसर शुड बी रेडिएशन। और शुरुआत तो हमने ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन से किया है जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, आसान से लग रहे हैं, बट आगे जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे टफ होता जाएगा। तो रेडिएशंस क्या है, दे आर फिजिकल एजेंट्स, जैसे कि जो यूवी रेज, एक्स रेज होते हैं, एंड देन अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रेशर, हीट, कोल्ड, इन सब के साथ मिलके बीमारी कॉज करता है। माइकोवायरस एंड फंगी, दे आर बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये क्या बोल रहा है भाई, विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एग्जिबिटेड बाय अ डिजीज कॉजिंग पैथोजेन। डिजीज कॉजिंग पैथोजेन के पास क्या नहीं होता है इनमें से? तो देखो, इन्वेसिवनेस ये होता है, क्यों? क्योंकि इन्वेड करेगा बॉडी तभी तो बीमार करेगा, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है। टॉक्सीजेनिसिटी, तो टॉक्सिक तो होता ही है ना, टॉक्सीजेनिसिटी इज प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन, तो कोई भी पैथोजेन हो टॉक्सिन तो बनाता ही है, तभी तो हम बीमार पड़ते हैं, तो टॉक्सिन भी बनाता है। वायरुलेंस, वायरुलेंस जैसे वायरस है तो डिजीज़ कॉज करता है ना अंदर जाके, तो डिजीज़ भी कॉज कर रहा है, तो ये तीन चीज़ों तो कुल मिला के होता ही है, जो नहीं होता वो है कोऑपरेशन। हमारी बॉडी में जाके वो थोड़ी ना हमारे साथ कोऑपरेट करता है कोई भी पैथोजेन, ठीक है, कि नहीं आप ज़्यादा वीक लग रहे हो हम आपको बीमार नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी ना बोलता है वो, तो इट शुड बी कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक नॉट एग्जिबिटेड बाय पैथोजन। इन्वेसिवनेस इज एबिलिटी टू गेन एंट्री हो गया, वायरोलेंस जो है वो बीमारी फैलाने का, और टॉक्सीजेनिसिटी मैंने जैसे कहा टॉक्सिन बनाने का एबिलिटी हो गया। नेक्स्ट, डिजीजेज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। अब नीचे से आपको इन्फेक्शियस आइडेंटिफाई करना है, तो अपने को तो यूं पता लग जाएगा इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शियस है, स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शियस है, बिकॉज कैंसर जो है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, एलर्जीज जो है वो बॉडी में, मतलब एलर्जीज फैलते नहीं है, ये स्पेसिफिक रहता है पर्सन टू पर्सन, तो इसीलिए आंसर शुड बी सेकेंड एंड फोर्थ। तो सेकेंड एंड फोर्थ कहाँ लग वो है प्लेस्ड है, इट इज ऑप्शन डी, ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन डी। एंड इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शियस है जो सर्दी जुकाम होता है, कैंसर लाइफ स्टाइल डिजीज है, स्मॉल पॉक्स भी सीरियस है, हाईली कंटेजियस डिजीज है, वेरियोला वायरस से कॉज होता है, एलर्जी जो है इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है जो हर एक बॉडी में अलग अलग वे में होता है, किसी को कुछ से एलर्जी होता है, किसी को कुछ से होता है, तो टोटली
डिपेंड्स. नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, नॉन कम्युनिकेबल. इनमें से नॉन कम्युनिकेबल कौन सा है? मीजल्स यानी स्मॉल पॉक्स जैसा है, तो फैलता है, ये भी फैलता है, ये सारे वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस हैं तो फैलते हैं. डायबिटीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो ये नहीं फैलता. तो आंसर इज डायबिटीज. बड़े खुश हो रहे हो गए, बड़े आसान से क्वेश्चन है. कभी कभार ये आसान क्वेश्चन बहुत तंग कर देते हैं, ध्यान रखना. ठीक है, अब इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसे ट्रांसमिट होते हैं, यहाँ पर देखो. इनमें से आई मीन ऑप्शंस जो गिवन है, इनमें से इन्फेक्शियस डिजीजेस ट्रांसमिट होने के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो देखो, इनहेरिट, नहीं, दूसरों को देखते ही बीमार पड़ना, नो. ईटिंग अनहेल्दी डाइट से इन्फेक्शियस डिजीज फैलने की बात हो रही है, बीमार इससे पड़ोगे. बट यहाँ कह रहा है इन्फेक्शियस डिजीज कैसे ट्रांसमिट होता है, तो खुद से खा के बीमार पड़ना ट्रांसमिट नहीं हुआ ना, वो तो इन्फेक्ट हो गया बेसिकली. तो ये भी नहीं आंसर आएगा. आंसर होगा ड्रॉपलेट्स, बिकॉज जब हम खांसते हैं छींकते हैं तो वो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो करीब 5-6 मीटर की दूरी तक के लोगों को इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है. सो आंसर इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. सो दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन. इन्फेक्शियस डिजीजेज ये है कि एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होने की बात हो रही है. तो अनहेल्दी डाइट, जैसे मैंने कहा कि बीमार तो उससे भी पड़ेंगे, बट वो ट्रांसमिट होके बीमार नहीं हुआ ना, वो चीज़ है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी. इसमें एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन सा है? तो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी. क्योंकि मतलब देखो, इनेट इम्यूनिटी तो बाई बर्थ है. दिस इम्यूनिटी इज बाई बर्थ. अगर किसी के अंदर इम्यूनिटी है तो वो इनेट इम्यूनिटी हो गया. अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज समथिंग विच इज अक्वायर्ड इन द लाइफ टाइम. अभी उससे मतलब नहीं है. सेल मीडिएटेड जो है वो किलर सेल्स, जो टी सेल्स होते हैं, ये वो मेडिएट करते हैं. ठीक है, और हमारा अभी पूछा जा रहा है कि एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज ह्यूमर, ह्यूमर यानी कि फ्लूइड, ब्लड में काम करता है, इसीलिए उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहा जाता है. सो ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि आर इम्यून सिस्टम इट कंप्राइजेज ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द बॉडी ह्यूमर. मतलब मैंने कहा ना, ह्यूमर का मतलब फ्लूइड होता है, ब्लड. तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाई फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेज, और ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, यानी कि ह्यूमर, ह्यूमर यानी फ्लूइड. फ्लूइड कौन सा? तो ब्लड. इसीलिए एंटीबॉडी मेडिएटेड सिस्टम इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, पढ़ चुके हो आप लोग. नेक्स्ट लेट्स सी क्या पूछ रहे हैं. व्हाट इज दिस? विच स्ट्रक्चर इज डिपिक्टेड बाय द फॉलोइंग फिगर. फिगर इतना तामझाम वाला क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, ये क्या है? ना एंटीजन है, ना न्यूट्रोफिल है, ना बेसोफिल है. एंटीजन सम फॉरेन पार्टिकल होता है जो कि बॉडी में इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है. तो दिस इज एंटीजन, जो कि है नहीं. न्यूट्रोफिल ये इट्स अ टाइप ऑफ WBC, तो ये भी नहीं है. न्यूट्रोफिल जो है वो प्रॉपर इस तरीके के ऐसे इस तरह वाले ग्रैन्यूलर सेल है. बेसोफिल भी इसी तरीके का ग्रैन्यूलर सेल होते हैं. तो इट इज़ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जिसमें H2L2 आपको दिख रहा है, द हैवी चेन एंड द लाइट चेन. तो दो है ना, दो ऐसे हैवी हो गए और ये दो लाइट चेन हो गए. ठीक है, ये है. तो दिस इज एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैविंग H2L2 formula, two heavy and two light chains, और they both are linked together by disulfide. आप ये देखो यहाँ पर heavy chain और light chain ये जो है they are linked by disulfide. दो दो sulfur bond से linked है, तो disulfide linkage आपको मिल जाएगा. Next देखते हैं, which of the following आर द रीजन्स फॉर रूमाटॉइड आर्थराइटिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा क्वेश्चन है ये.
रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ये क्या करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो पढ़ते हैं। लिम्फोसाइट्स बिकम मोर एक्टिव, दिख रहा है आपको, देखिए लिम्फोसाइट्स बिकम मोर एक्टिव। बॉडी अटैक सेल्स, यस, मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्स, ये दोनों होना चाहिए सेकेंड एंड फोर्थ, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें कि वो सेल्फ सेल्स, खुद के सेल्स, हमारी इम्यूनिटी वैसे तो फॉरेन पार्टिकल बर्दाश्त नहीं कर सकती, बॉडी में कुछ भी फालतू या नॉनसेंस आया बॉडी तुरंत उसको किल करता है, तुरंत उसको मारता है, लेकिन कभी कभार बॉडी में ऐसा हो जाता है कि वो खुद के सेल्स को पहचानना ही भूल जाते हैं, तो सिंस दे डोंट रिमेम्बर सेल्फ सेल्स दे स्टार्ट अटैकिंग देयर ओन सेल्स, और तब कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो खुद के ही इम्यूनिटी के जो इम्यून सेल्स होते हैं खुद के ही सेल्स को किल करते हैं। सो द आंसर शुड बी सेकेंड एंड फोर्थ, तो वही है यहाँ पर सेकेंड एंड फोर्थ। ऑटो इम्यूनिटी अब नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो ओन बॉडी के सेल्स को रिजेक्ट करने लग जाते हैं एंड लूजेज इट्स एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट, दोनों में सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं, जब वो भूल जाते हैं तो खुद के ही सेल्स को, और फिर 10 तरह की बीमारियां होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज वन ऑफ देम। ओके आगे देखते हैं भैया, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट द अदर सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन, क्या है ये, तो आसान है, देखो सेरोटोनिन जो है ये एलर्जीज में प्रोड्यूस होती है, कोलेस्ट्रॉम जो है वो मिल्क, फर्स्ट मिल्क जो मदर अपने बेबी को देता है, इम्यून एंटीबॉडी से भरा हुआ मिल्क जो शुरुआत वाली मिल्क होती है और वही वो बच्चों को पिलाती है। हिस्टामिन भी एलर्जीज के दौरान, मतलब मैं एलर्जीज लिख रही हूँ बट आप पूरी बात नहीं लिखा मैंने, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो हिस्टामिन और सेरोटोनिन है ये दोनों एलर्जी के दौरान प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स हैं जो बॉडी में एलर्जिक एक्सजरेटेड बॉडी रिस्पॉन्स और वो सारा प्रोवाइड कराते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो दे आर एलर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल्स, ये मिल्क हो गया तो क्या हुआ, आंसर इज इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन्स आर दोज प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ताकि वो फिर ये प्रोटीन फिर दूसरे सेल्स को जाके आगाह कर देता है कि शांति रखो वायरस आ गया है तैयार हो जाओ ऐसा। सो दिस दे आर साइटोकाइन बैरियर, ठीक है, इंटरफेरॉन, सो दीज आर द प्रोटीन सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। सेरोटोनिन मैंने बताया कि न्यूरो ट्रांसमीटर भी है, लीड्स टू डिप्रेशन भी है, तो एलर्जीज में भी प्रोड्यूस होते हैं, ये भी वही बात आ गया, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हिस्टामिन, कोलेस्ट्रॉम वही लैक्टेटिंग मदर का ब्रेस्ट मिल्क है जिसमें एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टी के अंदर कौन सा स्टिमुलेंट होता है भाई, टी के अंदर कोकेन तो कहाँ से होगा, तो लोग चाय पीना बंद कर दे यार, टैनिन रेजिन ये तो प्लांट के वो हैं प्रोडक्ट्स हैं, एस्ट्रिंजेंट द आंसर शुड बी, ये तो आपको ही पता है कैफीन होता है टी के अंदर, इतना सोचना भी नहीं है, तो आंसर इज कैफीन जो कि एक स्टिमुलेंट होता है बिकॉज साइको एक्टिव ड्रग है, आप जब चाय पीते हैं नींद, लोग क्या बोलते हैं नींद आ रही है अजीब सा डल फील हो रहा है, चाय पिया तरोताज़ा हुआ, कईयों के सिर दर्द होने लग जाते हैं चाय नहीं पिया तो दैट्स एडिक्शन, तो चाय पिया फिर दे फील रिलैक्स्ड, तो दैट इज बिकॉज ऑफ कैफीन। देन कम्स स्मैक, स्मैक क्या है, स्मैक इज देखो कैनबिस सटाइवा से तो कैनबिस ऑब्टेन होता है, चरस गांजा हशीश वाला ग्रुप, धतूरा भी इसी ग्रुप का मेंबर है, एरिथ्रोजाइलम कोका से कोकेन आ गया, द आंसर क्या है पेपावर सोमनीफेरम, तो लैटेक्स ऑफ पेपावर सोमनीफेरम जो है उससे बनता है हीरोइन या जिसका दूसरा नाम है स्मैक, और ये केमिकली ये एक डाई एसिटाइल मॉर्फीन होता है, ठीक है, सो डाई एसिटाइल मॉर्फीन जो वाइट कलरलेस
सॉरी वाइट होता है, ऑर्डरलेस और बिटर और क्रिस्टलाइन होता है, और ये मॉर्फिन को एसिटाइल कर देने के बाद में एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है और लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट यानी पेपावर सोमनीफेरम से इसको ऑब्टेन किया जाता है। कैनाबिस सटाइवा तो भांग हो गया जो कैनाबिनॉइड्स, और ये हशीश एंड गांजा। हशीश गांजा कहाँ से लाते हैं भाई? एरिथ्रोजाइलम कोका, ये तो बनाएगा कोकेन, तो ये नहीं है। निकोटियाना निकोटीन से रिलेटेड है जो टोबैको में होता है, तो ये भी नहीं है। क्या पूछ रहा है? हशीश गांजा पेपावर से, तो ये तो स्मैक ओपियोइड्स का ग्रुप आ गया, तो आंसर इज कैनाबिस। ठीक है, सो आंसर इज कैनाबिस। देखो आप क्या लिखा है, सो कैनाबिस हशीश गांजा दे आर हेलुसिनोजेंस है बच्चों, जो हेम्प प्लांट कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन होता है, और स्पेशली जो ये हशीश है ये रेजिन ऑफ सिक्रीटेड गम एंड ऑफ कैनाबिस से के जो रेजिन है उससे बनाया जाता है, जो कि बाद में ड्राइड एंड प्रेस्ड होता है और स्मोकेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और गांजा जो है वो अनफर्टिलाइज फीमेल इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस, तो उसी प्लांट के अलग 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 पार्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज कैनाबिस, और इसी के साथ हमारा ये सेशन तो यहीं एंड होता है बच्चों। ऑल द क्वेश्चंस मोस्टली सारे चैप्टर के मोस्ट ऑफ द पार्ट से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने बताए हैं आपको। अब आप प्रैक्टिस करिए इसको अच्छे से, और टारगेट CUET को ध्यान में रखिए और क्रैक करिए। ठीक है, ऑन दिस नोट इट्स अ गुड बाय चिल्ड्रन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस।